हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल सिमर के चैनल में आपका स्वागत है। आज क्या हुआ है हमारे घर में मैं आपको बताऊंगी। मैं बाहर गई हुई थी और पूरा मतलब मैं थक गई हूँ पूरी तरह से। और ये देखो क्या हालत हो गई है। यहाँ पे रोक्सी सो रही थी, रोक्सी ने पी निकल गया उसका, मतलब रोक्सी ठीक नहीं थी, तबीयत ठीक नहीं आपको बताया था। तो बेचारी ने सारा गंदा कर दिया। अब मैंने पूरा उसको साफ किया वाटर वूटर करके, फिर उसको ड्राई अभी करने में रख दिया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा भाई रोक्सी की। तो मेरे को लगता है पक्का इसको ना डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ेगा। दवाई दिलवाई है बट डॉक्टर ने ये कहा है कि वो मंथली प्रॉब्लम होती है भाई, कैट्स को भी होती है, आप देखो तो सही जरा, उनको भी ऑब्वियसली होती होगी। तो पूरा ये बेड वेड सेट करने रखा हुआ है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये आयशा लेके आई थी इंडिया से, नानी के यहाँ से मनी लेके आई थी 500 के। देखिए ये है 500 रुपीस का, 500 अंक। तो मैं तो लेके नहीं आ रही थी, इतने ज़्यादा थे ना उनके पास, तो मैंने कहा नहीं, वो बच्चों के खेलने के होते हैं ना, तो मैंने कहा नहीं यार एयरपोर्ट का कुछ नहीं पता होता कुछ भी है ना चेकिंग। ये है 500 के और ये है 100 का। देखो जब हम छोटे थे ना दुकान पर जाके चला के भी आ जाते थे कई बार। ये है 200 का। ये नहीं, मेरी रोक्सी बेचारी आ गई। रोक्सी व्हाट हैपन बेचारी, छोटे से देखो जानवर को भी दर्द होती है ना। रोक्सी व्हाट हैपन। तो ये पूरा अब मैं बेडशीट वगैरह सारा सेट करूंगी, गंदा कर दिया है इसने। और एसी कर देते हैं बंद, मैंने सुना है इंडिया अभी ना ठंडी हो गई है, ठंड हो गई इंडिया। मम्मी कहते हैं अभी तो एसी भी नहीं चलाते वो लोग, कम चलाते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत गर्मी है बाहर अभी, पर एसी से ठंड लगती है। यहाँ पे आयशा बैठी, आयशा से हाय, वेट से हाय, से हाय, शो मी हैरी पॉटर एंड द गॉब्लिन ऑफ फायर। ओह माय गॉड, शो मी दिस वन। You will read this one? Yeah, I already read one page at my friend Akansha's house, so I'm going to start with the next page. देखो हम बच्चों को पढ़ने का। I read this page in Akansha's house because yesterday was her brother's birthday. So then I'm starting on this page. Anyway. तो देखो हम लोगों को पढ़ने का शौक नहीं होता था, जैसे मोटी बुक देखते थे तो इतनी ज्यादा टेंशन हो जाती थी। ओ माय गॉड, आवर बुक वाज सो बिग, वी वर फीलिंग सो स्केयर्ड। ओ माय गॉड, सो बिग बुक, आई डोंट वांट टू रीड। इसका वेट इतना ज्यादा लाइट है, मेरे ख्याल में शायद ही आई थिंक ये 150-200 ग्राम की होगी शायद ही। मतलब अब बुक्स ऐसी हो गई है जिनका वेट ही नहीं है, और जो एक्सपेंसिव बुक्स होती है ना उनका वैसे भी वेट नहीं होता। अंग्रेज पता, गिव मी द इंग्लिश पेपर, हज आर जस्ट वॉकिंग लाइक दिस, पकड़ के ऐसे चलते रहते हैं, कई जगह पढ़ते रहते। दे आर रीडिंग टू मच बुक्स। दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल इन द कैमरा। आयशा लिप्स देखो अपने ब्लू की हुए। आयशा आई वाज ईटिंग कैंडी। तो ये मतलब ऐसे अंग्रेज लोग तो ऐसे ही पढ़ते रहते। देखो तो हमको कितना डर लगता था ना बुक्स वो देखने से, ओ माय गॉड इतनी भरी भरी बुक्स है। तो घर की हालत तो थोड़ी ऐसी हुई पड़ी है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ बना लूँ कुछ खाने के लिए। ये देखो ये बच्चे कैसी कैसी चीजें खाते हैं, ये लेके आइए मैं खा के देखो। आयशा यू डोंट वांट टू ईट दिस वन। Where should you put? Put in your purse. No, put somewhere. Where? Your bag, okay? I'm saving on your bag. अब इसके बैग में रख दूंगी ना, फिर ये भूल जाएगी थोड़ा सा क्योंकि नहीं खाएगी। फिर आपको एक और चीज दिखानी है। आयशा गई थी कल बर्थडे पे, तो आयशा को ये मिला है फ्रेम, ये देखिए ये वाला फ्रेम मिला है। इसमें सारे बच्चे, मतलब अभी क्या हो गया, अभी जब भी बर्थडे पे जाते हैं ना तो रिटर्न गिफ्ट मिलते हैं। तो ये देखिए ये रिटर्न गिफ्ट में आयशा को, आयशा कहाँ बैठी है, ये रही। अभी फ़ोन कैमरा अगर मैं पास में लेके जाती हूँ क्लियर नहीं आता, तो आयशा यहाँ पे बैठी हुई है, ये बच्चे के साथ बैठी है सामने, वाइट शर्ट वाली लाइनिंग वाली, ये आयशा। तो बहुत ही प्यारा लगा मुझे, मतलब अभी रिटर्न गिफ्ट का आ गया ना, बच्चे क्या होते हैं जब भी किसी के घर में जाते हैं तो वो देखते हैं हमें रिटर्न गिफ्ट मिलना चाहिए, अगर रिटर्न गिफ्ट नहीं मिलता तो उनको सैड फील होता है। तो अभी आयशा का बर्थडे आने वाला है, देखते हैं हम लोग कुछ देंगे रिटर्न गिफ्ट या नहीं। यार यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, समझ में भी नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। और ये मैंने लिया था, क्या ये है उसका, क्या है, बाथ एंड बॉडी का ट्विस्टेड पेपर मिंट है, ये परफ्यूम लिया था परफ्यूम पर, ये इसकी खुशबू देखूं एक बार, मैंने पहले देखी थी। फिर एक बात बोलूं,
बाथ एंड बॉडी बहुत एक्सपेंसिव है, ये किस सबको पता है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बट इसको एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी इसकी पता नहीं फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा अच्छी नहीं. मैंने इतने परफ्यूम खरीदे बट इसकी फ्रेग्रेंस ना मतलब अलग सी है यार. तो इसकी फ्रेग्रेंस ना बिल्कुल ही अलग सी है, बट मुझे ऐसे अच्छा लगता है कि जैसे ठंडा ठंडा लगता है ना बॉडी को, वो वाला बहुत अच्छा लगता है वो. तो बाय करना है तो आपको कर लीजिएगा, बट मैं यही रिकमेंड करूंगी कि मतलब कुछ खास नहीं है, ठीक है यार, अच्छा है, ब्रांडेड है, इसलिए है, एक्सपेंसिव है. तो इंसान को क्या होता है, जब एक्सपेंसिव चीज होती है तो उसकी तरफ ही इंसान जाता है कि हाँ यार एक्सपेंसिव है तो बहुत ही अच्छी होगी. तो मैंने क्या किया था, मैं जब यहाँ पे आई थी तो मैंने तब ये सोचा था लेने का, जब मैंने लिया तो मुझे इसकी स्मेल कुछ बहुत ही ज्यादा खास नहीं लगी. तो मैं यही आपको रिकमेंड करूंगी कि बाथ एंड बॉडी का नाम है, बाथ एंड बॉडी का जो भी परफ्यूम, और मैंने क्रीम्स भी लगा के देखी, क्रीम जो इसकी है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है. वो आप 24 आवर लगा लोगे ना एक बार हाथ पे या पैरों पे, मतलब फेस पे नहीं, फेस पे काफी लोगों का ये है, मेरा तो स्पेशली ये है कि फेस बर्निंग होता है उससे, मेरे फेस पे जैसे ही वो टच भी करती है तो फेस बर्निंग होना शुरू हो जाता है. बहुत ज्यादा रैश हो गए थे तो मैंने एकदम स्टॉप की, बट हाथों पैरों के लिए वो बेस्ट क्रीम है, बेस्ट क्रीम है. अगर आप बाथ एंड बॉडी का लोगे तो आपको ये वैसे नहीं बाय करना, मेरे ख्याल में आपको नहीं बाय करना. तो बात करते हैं आज मनीषा रानी की. मनीषा रानी ने एक और नया प्रोजेक्ट शुरू किया है. मनीषा को जैसे मीडिया ने पूछा तो मनीषा ने ये कहा कि वो एक पॉडकास्ट टाइप का, पॉडकास्ट नहीं है बट पॉडकास्ट टाइप का ही शुरू करने वाली है, और पूरे लोग जो भी आएंगे वहां पे है ना, मतलब नए नए कोई सेलिब्रिटी ये वो उनको बुलाएगी वहां पे, तो वो फिर ये शूट मतलब करेंगे जो भी है, ये वाला प्रोजेक्ट वो शुरू करने वाली है. आजकल हर लोग ही यही हो गया कि पॉडकास्ट ही खोल रहे हैं, क्योंकि पॉडकास्ट चल जाता है, वहां पे नए नए सेलिब्रिटी भी आते हैं, लोगों को पसंद भी आता है, और मेरा बच्चा आज तो लोगों को पसंद भी आता है. तो पॉडकास्ट है नहीं, वो वैसे पॉडकास्ट टाइप का एक खोलने वाली है. तो मनीषा के फैन जितने भी मनीषा को लाइक करते हैं, मनीषा के लिए आप खुश हो जाइए, मनीषा अपना अपना कुछ खुद खोल रही है, तो ये भी बात है. तो स्पेशली ये खुशी है कि कोई इंसान मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है, वो अपना कुछ स्टार्ट करने जा रहा है. फैन तो इतने ज्यादा पागल है मनीषा के लिए, बहुत ज्यादा, क्योंकि मनीषा ने मेहनत भी की है, और कहाँ से कौन से गांव से उठ के आके अपने लिए अपनी एक जगह बनानी दिखाना, और ये सच्ची बात बोलूं कि मेहनत भी बहुत करती है वो लड़की, बहुत ज्यादा. डांस जो देखा था उसका जो शो था उस पर बहुत ज्यादा उसने मेहनत की थी. तो मनीषा के जो फैन है वो खुश हो रही है, मनीषा अभी नया अपना कुछ अपना ही स्टार्ट करने जा रही है, और जैसे भी वो स्टार्ट करेगी. आज उसका पहला शो था, मनीषा ने कहा पहला एपिसोड जो वो अभी टेलीकास्ट होने जा रहा है, तो उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन आता है, मनीषा के फर्स्ट गेस्ट कौन होंगे, वो देखना भी दिलचस्प रहेगा. तो मनीषा के जो फैन है, ये जो चैनल है, मुझे किसी ने एक भी ये बात भी पूछी थी, मैं बता देती हूँ, ये जो मेरा चैनल है ये मेरा व्लॉग चैनल भी है, और जो लोग जो सेलिब्रिटीज के बारे में बात करते हैं वो चैनल भी है, मैंने मिक्स चैनल खोला है. तो आप लोग समझ जाइए व्लॉग प्लस समबडी, आई एम टॉकिंग अबाउट समबडी. ओके, चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, बने रहिए सिमन के साथ फॉर मोर अपडेट, और मेरे घर की व्लॉगिंग भी हो जाती है और मेरा ये आप लोगों के साथ बात करना भी हो जाता है. तो अगर आपको भी चैनल खोलना है, काफी लोगों ने ये भी कमेंट किए थे कि मैम हम अपना चैनल खोलना चाहते हैं, तो मुझे मैसेज कीजिए, बताइएगा जरूर, मैं आपकी हेल्प करूंगी. बने रहिए सिमन के साथ फॉर मोर लाइक अपडेट कीजिए, जो भी आपको लग रहा है बताइए आप मुझे, तो मैं आपके लिए चैनल बनाऊंगी, वीडियोज बनाऊंगी उस चीज के लिए. बने रिया सिमन के साथ फॉर मोर अपडेट्स लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और मनीषा रानी के जो फैन है वो वीडियो को लाइक जरूर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.